ओके सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई मेक कोर्स फॉर माय इंस्टाग्राम पेज। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार आपको ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन कर लो ना, और यहाँ पे ना एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। मैं यूजली 1500x1500 प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यार मैं जो भी मतलब इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट करता हूँ उनको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दो इमेजेस को मिक्स करके उस पे कोड लिखता हूँ। यार मैंने ये देखा है ना कि ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो फिर जो लोग पसंद कर रहे हैं मैं उन्हें वही प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो यार एक बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है इसको बनाने का। तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ये मैंने एक ब्लैंक यहाँ पे कैनवस ले लिया ना, तो अब फाइल फिर प्लेस। अब यार मैंने क्या किया होता है ना कि मैं थॉमस शेल्बी को अपनी मैक्सिमम पोस्ट में यूज़ करता हूँ, तो मैंने पीकी ब्लाइंडर से बहुत से ये स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं। तो अब जैसे इसको यहाँ प्लेस करूँगा ना, फिर अब यार एक ट्रिक आपको बताता हूँ, अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हो ना, पर आप इसकी हाइट ऑफ विथ को मतलब चेंज नहीं करना चाहते हो, इसी सेम एग्जैक्ट पोजिशन में रखना चाहते हो, तो शिफ्ट प्रेस करके ना आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हो, इससे इसकी हाइट और विथ चेंज नहीं होगी। फिर अब यहाँ पे सेंटर कर लिया इसको और ओके, फिर से प्लेस किया। अब यार हम दूसरी इमेज को यहाँ पे प्लेस करेंगे, और दूसरी इमेज को भी प्लेस कर लिया। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, वैसे ये करना ज़रूरत नहीं है। यार मैं ना गौथम और क्रिम्सन फॉन्ट का यूज़ करता हूँ 45 पॉइंट्स पे, तो कोट लिख लिखते हैं लव विद मैनी, और ठीक है यहाँ पे अपने पेज का नाम लिख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके कैपिटल में, और 25 पॉइंट्स इसको थोड़ा छोटा रखता हूँ मैं। अब यार अगर मतलब आपकी इमेज पे आपको ये टेक्स्ट अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना कि टेक्स्ट लेयर से नीचे जाना ना, और एक नई लेयर हमने ले ली है सॉलिड कलर की, इसको पूरा ब्लैक ले लेंगे, और फिर इसकी ना ओपेसिटी कम करेंगे, जैसे 36, 38, 42, बस इतनी सही लग रही है। यार देखो बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पे आ रही लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यार बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है इन कोर्स को बनाने का, आप भी इन्हें बना सकते हो अगर आपको फोटोशॉप का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।